हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ शगुफ्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय किचन माय डिश। आज के एपिसोड की मेरी रेसिपी है ब्रेड पुडिंग। तो मैंने इसे सिर्फ तीन चार चीज़ों से बनाया है, चार चीज़ों से बनाया है, और बच्चों को और घर के लोगों को एनी टाइम स्वीट डिश का मज़ा देने के लिए ये बड़ी अच्छी सी डिश होती है। इसे मैंने माइक्रोवेव में बनाया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं रेसिपी और देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो ये चार अंडे ले लिए हैं, 8 ब्रेड के पीस ले लिए हैं और 4 कप दूध और 1 कप शुगर। अब इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करेंगे एक साथ में। तो सबसे पहले मैं अंडों को एक बोल में तोड़ लूँगी, तो वो इसलिए कि कभी अंडे ख़राब ना हो। तो ये अंडे हमने तोड़ लिए और चारों अंडे अच्छे हैं, एक बोल में ले लिया। ब्रेड की किनारियों को कट कर दिया है और एक अंडे के साथ में 2 ब्रेड लिए हैं, तो 8 ब्रेड हो गए। तो इन्हें छोटे छोटे पीसेस करके इस तरीके से मिक्सी के बड़े जार में डाल देंगे। मैंने मिक्सी का सबसे बड़ा जार लिया है, इतनी क्वांटिटी के लिए सबसे बड़ा जार लगता है। सारे ब्रेड तोड़ के डाल दिए, इसमें शक्कर डाल दी और साथ ही इसके अंदर ये चारों अंडे इसके अंदर डाल देंगे। अंडे भी डाल दिए और दूध भी इसके अंदर डाल देंगे। दूध को थोड़ा रुक रुक के डालेंगे कि वो अंडा जो दूध ब्रेड दूध को सोख ले। तो सोखते जाएगा तो ये पूरा मतलब जो जार है ओवरफ्लो ना हो जाए। इतनी क्वांटिटी के लिए ये जार बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को ब्लेंड कर लिया मैंने 1 मिनट तक, और ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। ब्रेड पिस गया, अंडा फिट गया, शक्कर घुल गई और ये एकदम अच्छा सा बैटर तैयार हो गया है। तो अब इस बैटर को पकने के लिए शुरू करेंगे। तो पकने में शुरू करने से पहले एक सॉस पैन ले लिया, उसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया है और इसके अंदर डालेंगे 4 टेबलस्पून शुगर और इससे शुगर को कैरेमलाइज करके कैरेमल बना लेंगे। तो पुडिंग में कैरेमल का फ्लेवर सबसे अच्छा लगता है। तो देखिए पानी उबलना शुरू हो गया है, शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। शुगर को पूरी तरीके से डिज़ोल्व होने देंगे और इसे बिल्कुल ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेंगे, तो ये कैरेमल बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये देखिए शुगर पूरी तरीके से पिघल गई है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के जितना मैंने मक्खन डाल दिया है। मक्खन डाल देने से कैरेमल जो है वो चिपकता नहीं है शीशे के बोल में। जब हम शीशे के बोल में बनाते हैं तो ऐसे कैरेमल बनाना चाहिए। तो शीशे का बोल लिया मैंने और उसके अंदर मैंने ये कैरेमल डाल दिया। आपको मेरा ये शीशे का बोल याद होगा, मैंने इसे बहुत बार माइक्रोवेव में यूज़ किया है और ये माइक्रोवेव के लिए एकदम फिट है। तो मैंने इसे पूरे तले में कैरेमल को फैला दिया है। अब ये कैरेमल जो है बिल्कुल हार्ड हो जाएगा 2 मिनट में, तब मैं इसके अंदर उस मिक्सचर को डाल दूंगी। तो ये देखिए कैरेमल अच्छी तरीके से सेट हो गई है बोल के अंदर। अब इसके अंदर मैं धीरे धीरे करके ये पूरा जो हमने बैटर कंप्लीट बनाया है दूध अंडे ब्रेड और शुगर का, इसे इसके अंदर डाल देंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं तो वो एकदम बराबर से होता है और कैरेमल जो नीचे हमने फैलाया है वो इधर उधर नहीं होती है, क्योंकि वो चिपकी नहीं है शीशे के बोल में। तो अब इसे मैंने पूरा इसके अंदर डाल दिया। ये चीज़ का ध्यान रखें आप कि जब माइक्रोवेव में बनाते हैं तभी भी इसे पानी के स्टीम में ही बनाते हैं। तो ये मैंने ले लिया है एक माइक्रोवेव सेफ डिश, इसके अंदर डाल दूंगी 1 गिलास पानी। ये 1.5-2 इंच डीप माइक्रोवेव सेफ डिश है, ये माइक्रोवेव के साथ में ही आती है, इसके अंदर इस बोल को रख दिया। अब इसे उठा के पूरा माइक्रोवेव के अंदर डाल देंगे, इसे माइक्रोवेव मोड पर ही पकाना है। तो इसे रख दिया मैंने, दरवाज़ा बंद किया। अब माइक्रोवेव को 100 डिग्रीज के ऊपर, 900 सेंटीग्रेड के ऊपर सेट करेंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद इसे हम दोबारा 540 डिग्रीज के ऊपर 10 मिनट के लिए सेट करेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए सेट करेंगे। बीच बीच में चेक करेंगे, अगर उसके बाद भी ज़रूरत हो तो उसे थोड़ा और पकाएंगे। तो ये मैंने करीब 25 मिनट तक पकाया है माइक्रोवेव मोड के ऊपर 540 डिग्री पे,
ये बन के तैयार हो चुका है, इसे ठंडा होने रख देंगे फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए। अब ये देखिए 2-3 घंटे फ्रिज में ठंडा होकर आ गया। अब इसे हमें डीमोल्ड करना है, मतलब इसमें से निकालना है, तो हम इसे चाकू से लूज कर लेंगे चारों तरफ से। उसके बाद इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसे पलट देंगे। तो ये देखिए हमने पलट दिया, थोड़ा थोड़ा ऊपर से थपकी देंगे कि वो निकल आए। वैसे वो निकल ही आया है, क्योंकि वो कैरेमल शीशे के बोल में चिपकता नहीं है, हमने उसमें मक्खन डाला है इसलिए। और ये देखिए एकदम क्लियर निकल आया है, बड़ा खूबसूरती से निकल आया है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और अब इसे कट करके सर्व करेंगे, केक की तरह काटेंगे। अच्छा, टेस्टी सा पुडिंग तैयार हुआ है, कैरेमल ब्रेड पुडिंग बन के तैयार है। ऐसे ऐसे सर्व करने जा रहे हैं हम एक एक पीस, और देखकर ही खाने वालों को भूख लग जाती है। तो वीडियो मेरा कैसा लगा है, रेसिपी मेरी कैसी लगी है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना न भूलिएगा, और सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।